केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहन प्रभाती परिदा जी और हमारे सम्माननीय विधायक समीर रंजन दास जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। यहां पर जिलाध्यक्ष आश्रित पटनायक, शंकर भोई, प्रदीप कुमार खतोई, प्रदीप कुमार रे, पवित्र कुमार दास, रतिकांत बेहरा, निरंजन नायक, बंडरंजन पटनायक, सुशांत कुमार स्वेन, जीवानंद महापात्र, पूर्णेंद्र ओझा, सुशील रंजन दास, संतोष कुमार दास, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले उत्कल भूमि और समग्र भारतवर्ष के अधिष्ठाता देवता महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां मंगला, मां सरला और प्रभु गोरखनाथ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब गोपबंधु चौधरी, स्वर्गीय रमा देवी और स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो गए हैं। 1 तारीख को 7वें चरण में मतदान है और ओडिशा विधानसभा का भी आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरण का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या जगत सिंहपुर वालों, बताओ जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। और भाइयों बहनों, 6ठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। देश भर में तो सिर्फ 400 पार करना है, मगर ओडिशा में 400 पार के साथ साथ यहां पर नवीन पटनायक की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है। भाइयों बहनों, मैं पहले देश भर के चुनाव की बात करूंगा, बाद में ओडिशा की। ओडिशा वालों, मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है?